नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। उसको गुड इवनिंग कह रहे थे ना कल, मैंने भी आज गुड इवनिंग से स्टार्ट किया। कैसे हैं आप सभी लोग? हाय रिधि, वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि, हेलो डिम्पी, हाय वंस अगेन निधि। ओके, निधि ने दो बार हाय कर दिया। आकांक्षा रोहिला गुड आफ्टरनून, मानसी वेरी गुड आफ्टरनून, खुशी मीना श्रेया रिदम वेल गुड आफ्टरनून एवरीवन। So I was thinking what to take up in the class as of now. इस समय मैं कौन सा टॉपिक लूँ, आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड देन आई थॉट कि एक बार मेरे माइंड में पहले भी आया था, मैंने आप लोगों को बोला भी था, रिलेशन एंड फंक्शन या और भी टॉपिक्स हमने जो कवर अप कर लिए हैं, फर्स्ट प्रिगो या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो आई हैव सम गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विच आर रीजनिंग टाइप, मतलब फिल इन द ब्लैंक, मतलब स्ट्रेट आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक फिलर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ट्रू फॉल्स, स्ट्रेट, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा सीधा आंसर आ गया विदाउट थिंकिंग। हालांकि थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है, लिखना कम पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, जो कंसेप्चुअल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास। सो आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर सेशन जिसमें ऐसे क्वेश्चन भी हम कवर अप कर लें। सो हेयर आई एम विद द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन, दैट इज चैप्टर वन ऑफ योर क्लास 12, ठीक है, 12th क्लास का जो चैप्टर वन है। तो वहाँ से हम लोग आज ऐसे ही क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू एवरीवन एंड जस्ट नाउ आई थिंक शिखा सिंह हैज जॉइंड, सो नाउ सी इज नॉट सेइंग गुड इवनिंग लाइक यस्टरडे, सो गुड आफ्टरनून शिखा। तो आइए सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लें, जल्द एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर वन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिकैप भी आप लोगों के लिए मैं देता रहूँगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन यूँ तो आसान चैप्टर है, काफ़ी ही ईजी है, काफ़ी ईजी टॉपिक है ये, लेकिन इसमें ना डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, रीजनिंग ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कई बच्चों को बोरिंग भी लगता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, है ना। अगर मान लो हमारी हमारा मोड ऑफ लर्निंग इज इंग्लिश और हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा। और हिंदी में तो हम चलो सोच भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अब सोचना और लिखना थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई मैनी स्टूडेंट्स फील दैट रिलेशन एंड फंक्शन इज नॉट देयर कप ऑफ टी, लेकिन आसान है, यस आई एग्री, कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। रीजनिंग के लिए आपको लैंग्वेज फॉर्म करनी पड़ती है, स्टेटमेंट फॉर्म करनी पड़ती है। So we will try to sort out the problems that many students do face. So let's begin here with the first question. Start करें बच्चों। निशु जांगड़ा, hello sir, good afternoon, well good afternoon निशु। So पहला question यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा question है, सोचना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसे straight forward questions नहीं है कि मैंने question लिखा और आपका answer आ गया। हाँ, मतलब अगर स्टेप्स देखोगे ना कि स्टेप्स ज़्यादा नहीं है, दो तीन स्टेप या एक ही स्टेप या सीधा वन वर्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जैसे मैं एक सेट ए लिख रहा हूँ आपके लिए, सपोज आई एम राइटिंग सेट ए हैविंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सोचना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। लेट ए बी द सेट एंड लेट आर बी अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, लेट आर find from A to A, be a relation, be let me rewrite it, let R be a relation defined on the set A. Agar relation R set A pe defined hai, so what is the आपको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, what is the roster form of R condition if R is, ये ध्यान से देखना मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, if R is the smallest equivalence सेट ए, तो आपको आर का रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आप
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं आपको याद दिलाऊं, इफ वी हैव थोड़ा सा मैं आपको रिकैप भी दे दूंगा साथ साथ, है ना। तो अगर आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन वी मस्ट हैव देन आर इज रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अगर आपको याद हो नीचे ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, ठीक है, इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए देन ये कंडीशन होती है, देन आर इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मींस ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, ऑफ कोर्स यहां पर ए और बी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। Then third R is transitive. अब transitive का मतलब याद है आपको? It says ARB and BRC implies ARC for all elements ABC belonging to the set. तो अगर ये तीनों condition है, relation R reflexive है, symmetric है and transitive भी है, अगर ये तीनों condition fulfill होती है किसी भी relation R के अकॉर्डिंग में, तो वो रिलेशन आर किसी भी सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, तो रिलेशन आर आपका इक्विवेलेंस होता है। सो कीपिंग दिस रिकैप इन माइंड, जो मैंने आपको रिकैपिचुलेशन दिया इसको ध्यान रखते हुए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए फटाफट, सो अर्पित लाला जी हेलो, सौरभ लारा वेरी गुड आफ्टरनून, आकांक्ष नो दिस आशुतोष रंजन वेर आर यू फ्रॉम आशुतोष, आई थिंक यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो चलिए फटाफट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये थोड़ा सा रिकैप बता दिया मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, आई एम लुकिंग एट माई लैपटॉप स्क्रीन सो दैट आई कैन रीड आउट योर कमेंट्स जल्दी 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 बी फास्ट। सोनिया दहिया इज आंसरिंग 1 1 2 2 3 3 ओके। डू वी हैव एनी अदर आंसर, क्या आपके पास कोई दूसरा आंसर है बच्चों? अरे मिक्स टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, कभी फंक्शन का आ जाएगा, कभी रिलेशन का आ जाएगा, कभी इक्विवेलेंस रिलेशन का, कभी रिफ्लेक्सिव का, कभी डोमेन फाइंड करने का, कभी रेंज फाइंड करने का, ये मतलब छोटे क्वेश्चन है, स्ट्रेट आंसर या फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप। सो व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, भैया बताओ कुछ सोचो समझो बताओ। हिमांशु सिंह इज ऑल्सो कॉपी पेस्ट वाला आंसर आ गया, इसका भी कॉपी पेस्ट चल रहा है, सृष्टि का भी कॉपी पेस्ट, मतलब हो सकता है कॉपी पेस्ट ही किया हो, या हो सकता है आपने सोचा हो हिमांशु या सृष्टि और आपका वही आंसर आ गया जो कि सोनिया का आया है। तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट एक्यूजिंग यू कि आपने चीटिंग की है, आई डू नॉट मीन टू से दैट। जल्दी फटाफट, तो तीन बच्चों का जवाब आया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? जल्दी करो बेटा, आप सिर्फ मूवी की तरह शो नहीं देखना, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द सेशन। सौरभ नारा इज आल्सो हियर विद द सेम आंसर 1.1 2.2 and 3.3 enclosed in a curly bracket, these all the players are enclosed in the curly bracket and Arpit is very smart, he just saying same, wow Arpit I like it। Shubham Singh Jalwal the same answer, Dimpi Kalonia the same, but I like the creativity done by Arpit Gupta क्योंकि उसने टाइपिंग करने की मैंने से अपने आप को बचा लिया और सीधा बोल दिया सेम। चलिए ठीक है, इट्स ओके। सो देखो बेटा सिंपल सी बात है, हमें सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहे हैं, तो पहली बात सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इट्सेल्फ, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को मैं इन्हीं के साथ अगर कोरिलेट करूंगा, देखो 1 को 1 के साथ रिलेट करना पड़ेगा तो 1.1, वैसे ही 2 को 2 के साथ तो 2.2 और 3 को 3 के साथ तो 3.2। जब मैंने ऐसे लिख दिया तो बेसिकली मैंने ये बोल दिया कि ए आर ए वाले कंडीशन यानी रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री की बात करूँगा तो ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, दैट इज लाइक, अब इसको अगर आप ए कॉमा बी से कंपेयर करेंगे तो ए आर बी की वैल्यू सी, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, 1.1 अगेन 1.1 लिख लो, तो कहने का मतलब सिमेट्री वाली कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, सेम तरीके से सिमेट्री भी हो जाएगा। अगर आप मान लो यहाँ पर सोचो कि एक एलिमेंट और लिख लो, मान
लो आपने लिखा यहाँ 1.3, अगर 1.3 लिखा होगा तो 3.1 भी लिखना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है, तो अगर इसमें 1.3 एंड 3.1 दो एलिमेंट और बढ़ा दूंगा तो ये रिलेशन बड़ा हो जाएगा, मुझे सबसे छोटा चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या ये रिलेशन अभी भी इक्विवेलेंस है, अगर मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है तो पहले कंडीशन थी ना रिफ्लेक्सिविटी के लिए, ये तीन पेयर तो लिखने ही पड़ेंगे, इसमें तो हमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें और ट्रांजिटिविटी को देखें, ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है एआरबी एंड बीआरसी इंप्लाइज एआरसी, तो कहने का मतलब अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तो ए कोमा सी सर्च करते हैं, तो यहाँ पर 1.1 1.1 1.1 तीन बार देख लो, या 2.2 2.2 2.2 थ्री टाइम्स देख लो, आपको ये वाली कंडीशन भी जस्टिफाई होती हुई दिखेगी। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये जो आपका रिलेशन है यही आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब मैंने ये बात बताई है आपको तो मेरे पास एक क्वेश्चन और तैयार हो गया है, तो आई हैव वन मोर क्वेश्चन हियर फॉर यू, मतलब इसी टाइप का है, तो आई विल बी जस्ट राइटिंग दिस प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी लिखने वाला हूँ। बट पहले मुझे ये बताइए क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, इफ़ देर इज एनी वन जिसको प्रॉब्लम हो तो दे कैन जस्ट कमेंट, अगर किसी को प्रॉब्लम हो दे कैन जस्ट कमेंट, भाई कमेंट करके आप बोल सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। चलें, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुशी, हिमांशु एंड अदर्स। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एज आई वाज सेइंग कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। देखो आपसे मैं यहाँ पर क्या पूछने वाला हूँ, एक सेट ए ले लूंगा मैं, मतलब यही वाला सेट ले रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1.2.3, ठीक है, सेम सेट लिया मैंने। तो आपको ये बताना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इस सेट ए पे जिसमें ये वाले एलिमेंट्स होंगे, देखो क्या चीज़, हाउ मैनी इक्विवेलेंस रिलेशंस, हाउ मैनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर देयर on A which contain 1.2 and 2.1, ठीक है। आपको बताना है कि सेट A के ऊपर डिफाइंड होने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हैं जिसके अंदर 1.2 एंड 2.1 ये दोनों पेयर पक्का प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आप सोच सकते हैं। चलिए बताइए, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, मैं थोड़ा साइड में ही हूँ ताकि आपको कमेंट में पढ़ लूँ। ध्यान रखना इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले इसे हमें रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, और अगर रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा तो हमें इसमें कौन से एलिमेंट्स नेसेसरली डालने पड़ेंगे वो आप सोच लेना, कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हमें इसमें पक्का डालने ही पड़ेंगे वो आप सोच लेना, ठीक है। तो राजीव रंजन का आंसर है 2, किसी का आंसर 1 भी है चारों का, जस्ट कीप इन माइंड कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन से रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन की वैल्यू लिखो ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने रिलेशंस बनेंगे 1.2 एंड 2.1 ये दो एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस होने की सबसे पहली कंडीशन का ध्यान रखना रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ये बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए कंटेनिंग दी टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मेरे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के आंसर हैं, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। हेलो खुशहाल दहिया, आज आप लगभग टाइम पे हो, मतलब सेशन के स्टार्टिंग में आ गए हो, वेरी गुड आफ्टरनून। तो निधि भट्ट का आंसर 1, सोनिया का 2, मतलब यहाँ कई बच्चों का आंसर 1 या 2 1 या 2, व्हाट अबाउट यू खुशहाल, यानी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, वी हैव अ सेट ए, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर देयर व्हिच कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए having these two ordered pairs। चलिए बताइए जरा जल्दी,
ताकि हम इसे कंप्लीट कर लें. सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू एंड देन आप देखना आपका जो भी आंसर है वो क्या आया होगा. ठीक है, चलिए. तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी रिलेशन यहाँ पर है साइड ए पे, तो अगर उसको इक्विवेलेंस होना है तो इट मस्ट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच विल मेक इट रिफ्लेक्स. पहली बात तो ये तो पक्का हो. मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन से बनेंगे, तो फिर उनको गिन लेंगे तो कितने बनेंगे ये पता चल जाएगा. कौन कौन से आएंगे, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा रिलेशन आएगा, चौथा रिलेशन आएगा, कितने आएंगे देख लेते हैं. तो ये मैंने फिलहाल लिखा हुआ है. तो अगर इसको मैं रिलेशन आर बोलूँगा ना बच्चों, तो इसके अंदर 1.2 एंड 2.1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है. देखो अगर 1.2 एंड 2.1 डाला मैंने यहाँ पे, तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. 1.2, 2.1 यानी सिमेट्री पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. और इसकी ट्रांजिटिविटी पे डिस्टर्बेंस है, यानी चेक कर लो 1.2 है एंड 2.2 है, तो ये 2.2 यानी ए कोमा बी यानी 1.2 ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर. यानी ये जो रिलेशन आ रहा है इस समय ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है. तो इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. और अब इसके बाद क्या कोई दूसरा ऐसा रिलेशन आप सोच सकते हैं 1.2 एंड 2.1 दोनों प्रेजेंट होंगे अदर देन सम अदर ऑर्डर पेयर्स. लेट मी थिंक अबाउट दैट. मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ सपोज R1. तो सबसे पहले ये जो शुरू के तीन ऑर्डर पेयर हैं, इनफैक्ट ऊपर वाला एज इट इज लिखो, ऊपर वाला कहने का मतलब 1.2, 2.1 तो ये तो आना ही है ना, हम हर बार आना, और ये तीनों पेयर भी हर बार आएंगे ताकि रिफ्लेक्सिव बने. अब इसके अलावा और यहाँ पर हम क्या एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं, अब यहीं पर सोचना है आपको, ध्यान से देखना बेटा. अगर मैं आपके इस रिलेशन में 1.3 वाला पेयर डालूंगा, तो 1.3 डालूंगा तो सिमेट्री के लिए 3.1 भी डालना पड़ेगा. ठीक है, और फिर ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी यानी 1.1 ट्रांजिटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 3.1 है तो 1.1 है तो 3.1 नहीं है ठीक. यानी अभी इस एलिमेंट से मुझे ट्रांजिटिविटी के लिए कोई प्रॉब्लम फिलहाल क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही है. लेकिन अब एक बात पे और फोकस करना, एक और बात मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ध्यान से. ठीक है, 1.2 एंड 2.1 है. अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक एलिमेंट 2.3 डालूँ, अब ये क्यों डालना है आई विल जस्ट एक्सप्लेन. अगर 2.3 होगा तो 3.2 मुझे लेना पड़ेगा. जस्ट टेल मी, 2.3 है तो 3.2 मुझे लेना पड़ेगा. ठीक है, अरे गेटिंग में नहीं हो रहा है जिसकी वजह से शायद ये चीज जो मैंने लिखी है ये ट्रांजिटिव ना रह पाए या सिमेट्रिक ना रह पाए, कोई ऐसा पेयर तो नहीं लिख दिया मैंने. बेसिकली मैं तो सिमेट्री पे फोकस कर रहा था पहले. ठीक है, एक बार चेक करें आप लोग, अगर इसमें से कोई सा भी अगर एलिमेंट, देखो ये 1.1, 2.2 से लिखी था हम हटा ही नहीं सकते, रिफ्लेक्सिविटी प्रॉब्लम होगी. 1.2 और 2.1 भी नहीं हटा सकते क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन में लेना ही था. तो फिर अब इन चारों में से अगर कोई हटाओगे तो क्या तब भी ये सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रहेगा? इनफैक्ट रिफ्लेक्सिविटी में तो कोई डिस्टर्बेंस करना नहीं है ना, वो तो मैंने पहले लिख दिया. ये नीचे वाले चार एलिमेंट को देखो, क्या इनमें कोई एक चीज़ हटाई जा सकती है या नहीं? अगर हटाई जा सकती है तो बढ़िया है, बताओ कौन सा एलिमेंट हटा सकते हो आप. एंड इन दैट केस फिर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे कितने बनेंगे जो कि आपके इक्विवेलेंस की हों और 1.2 एंड 2.1 वाला पेयर भी कंटेन करते हैं. You can just see, इनको तो अगर आप मानो 2.3 हटाओगे तो 3.2 है तो 2.3 चाहिए होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा. 3.1 हटाओगे तो 1.3 है तो 3.1 चाहिए होगा, यानी इसको भी नहीं हटा सकते. इनफैक्ट यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं हटेगी, एक बार आप काउंट करके देख लो, मतलब मैच करके देख लो फिर से. ये आपका पहला रिलेशन, ये आपका दूसरा रिलेशन. यहाँ पर हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल, टू रिलेशन जैसे जो कंडीशन आपको गिवन है accordance two relations are possible as per the given condition. जो भी conditions हैं उसके accordance में यहाँ पर आपको दो relations मिलते हैं. एक बार चेक करिए, are you able to understand this?
वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, लेट मी जस्ट राइट फॉर यू। वैसे पूछ रहा हूँ आपसे मैं क्वेश्चन नंबर थ्री, लिखे अगर जो क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखने वाला हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला आना हो तो आप पढ़ते ही बता देंगे, नहीं तो आपको टाइम तो लगे। अच्छा रहता है छोटे क्वेश्चन के लिए अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाए, याद कर लेते हैं तो इट विल जस्ट सेव योर टाइम। अगर आपको याद नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कंसेप्ट तो बताया ही है आपको। और वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सेट ए लिखा हुआ है और ए से ए में ये डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन सेट ए बनेगा, फंक्शन जो भी होंगे डोमेन सेट ए बनेगा और जो को डोमेन होगा वो भी सेट ए बनेगा। तो कहने का मतलब वन वन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज, ऐसा कुछ होता है, क्या बोलते हैं याद है, फॉर यूनिक इनपुट वी हैव यूनिक आउटपुट, याद आया कुछ। अब अगर आप मतलब इसका प्रॉपरली एरो डायग्राम बना के भी देखना चाहो तो जो पहला एलिमेंट सपोज वन है उसका लिंकिंग पांच एलिमेंट के साथ हो सकता है, फोटो में अगला एलिमेंट टू है उसके लिए एक एलिमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसका लिंकिंग चार के साथ होगा। मतलब देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये आपका सेट ए है और दूसरे वाला सेट ए ही है।
क्योंकि आपका फंक्शन ए से ए में डिफाइंड है। अरे कोई एलिमेंट वन है ना, इट हैज चॉइस, ये इन पांचों में से किसी के साथ भी एसोसिएट होता है। वन वन फंक्शन की कंडीशन आपको याद होगी, क्या कंडीशन हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, आउटपुट सेम है तो तभी होगा पॉसिबल जब इनपुट सेम हो, या अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम है, या अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में अगर हम रखेंगे, यहाँ पर वन के लिए हमारे पास इन सभी में से पाँचों में से कोई सा भी चॉइस अवेलेबल है। तो वन के लिए नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल फाइव है, लेकिन टू के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी ना, क्योंकि वन ने एक को तो ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब टू के पास एक चॉइस कम हो जाएगी, यानी इसके पास चार चॉइसेस बचेंगी टू एसोसिएट विद द एलिमेंट। इसके पास एक चॉइस और कम हो जाएगी, यानी थ्री चॉइस, इसके पास एक चॉइस और कम हो जाएगी टू चॉइस, इसके पास एक चॉइस और कम हो जाएगी, यानी तो अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो कम्यूटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब क्या आंसर बना, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज आई थिंक 120। एंड इनफैक्ट इसी चीज़ को आप लोग बोल रहे थे फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है कि अगर सेट ए आपके पास है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, लेट एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमारी बुक में मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो पढ़ा करो बच्चों। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टाइम नहीं, पहले क्या पा चुके शायद, कभी हाई हेलो करके चले जाते थे आप।
But anyway, question number 4 is here, available for you guys, just solve it. यहाँ पर फॉल्स एंड ट्रू इसके पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है तो कई बच्चों का फॉल्स कई बच्चे ट्रू बोल रहे हैं सो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर घनश्याम सोचो समझो तब जवाब दो घनश्याम आप तो सीनियर हैं बच्चों के उनमें से कई बच्चे अभी 12th में ही हैं चारों ने ट्रू बोला है और बच्चों ने भी ट्रू बोला है आई थिंक दैट आई एम नॉट रीडिंग योर कमेंट्स मैंने ऊपर देखा है कई बच्चों ने प्रीतम है फॉल्स बोल रहा है डिम्पी है फॉल्स ज्योति फॉल्स सृष्टि फॉल्स साक्षी फॉल्स फिर आपकी क्लास लगानी पड़ेगी मुझे लगता है फिर से बेटा आप वो दिन याद करिए मतलब कौन से दिन जब इनिशियल फेज में यानी जब हमने यूट्यूब पे लेक्चर स्टार्ट किए थे और जून में भी क्लासेस स्टार्ट की थी और मैं आपसे कहा करता था कि एक टाइम आएगा जब ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख रहे हैं आप ही के लिए सो यू मे विजिट दीज लेक्चर्स एनी टाइम किसी भी समय आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं जैसे इस समय मैं आपको हल्का सा अगर आइडिया दे दूँ तो आप समझ जाएंगे अच्छी बात अगर नहीं समझ पाए तो वो लेक्चर्स डिटेल में अगर आपको समझना है तो लेक्चर्स हैं आपके पास यूट्यूब पे सो कैन यू गो एंड चेक आउट द फर्स्ट लेक्चर इन विच आई हैव डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिविटी मतलब मेरे ख्याल में लेक्चर 1 होगा या लेक्चर 2 होगा देख लेना तो शुरू के जो लेक्चर थे रिलेशन के ऊपर जिसमें मैंने ट्रांजिटिविटी कंडीशन डिस्कस की थी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने कई बार एक ही चीज को रिपीट कर करके बताया हुआ है सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टुडे अगेन आफ्टर दिस सेशन एंड्स मैं अभी आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सुनना ध्यान से बताए बच्चों आपको देखो मैं ध्यान से सुन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव देखो अब जवाब चेंज हो गया है सोनिया का भी और दूसरे बच्चों का भी लेकिन आप बेटा आप में से क्या बोलूँ मैं आप लोगों को आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो 95-98 ऐसे नंबर आराम से लेंगे लेकिन आपको अगर 100 मार्क्स वाला बनना है ना आप कहोगे सर किस्मत की बात या कुछ बच्चे कहते हैं किस्मत नहीं जैसे इस साल हमारा एक स्टूडेंट है जतिन उसने गलती क्या की गलती की एक रिलेशन पूछा हुआ था एक क्वेश्चन था उसमें रिलेशन का नाम था रिफ्लेक्सिव वो लिखा है आइडेंटिटी लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था उसमें तो कई टीचर भी कंफ्यूज हो रहे थे कई टीचर कह रहे थे कि नहीं सर इसका आंसर रिफ्लेक्सिव आएगा कुछ कह रहे थे नहीं इसका आंसर आइडेंटिटी आएगा जो भी क्वेश्चन था मैंने पहले आपको दिया हुआ है आई थिंक हमारे इस चैनल पर भी है वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन तो उसके 99 मार्क्स आए जो इस क्वेश्चन में उसने अपना मतलब तो ये तो आपका इफ एंड बट वाला काम है ना कि एक बार आंसर ये और इस वजह से आपका अगर मार्क्स का लॉस हो पाए या दो नंबर अगर आपके कटते हैं मान लो दो क्वेश्चन ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं बेटे मतलब बात यह है बच्चों आपको ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए ऐसी गलती तो हो जाती है लेकिन करनी नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करें कोई भी जवाब लिखने से पहले स्पेशली 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर करो उससे पहले भाई 10 बार की जगह तुम 15 बार सोच लो यार 20 बार सोच लो स्पेशली रीजनिंग वाले क्वेश्चन जैसे अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर चारों कुछ बात तो कह रही है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है और फिलहाल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल द बेस्ट घनश्याम हालांकि आप पेपर तो लिख चुके हैं अभी ऑल द बेस्ट कहने का कोई फ़ायदा नहीं है आपकी रैंक लिस्ट अच्छी आ जाए बस हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं चलिए तो अभी यहाँ पर देखना बच्चों रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सॉरी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं तो ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी
है, अगर ये दोनों है तब आप कहते हो कि ए कोमा सी आर में है या नहीं, अगर आर आपका ट्रांजिटिव, यानी अगर आर को ट्रांजिटिव होना है तो ये और ये मस्ट इंप्लाई है ए कोमा बी एंड बी कोमा सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए तभी रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव हो। लेकिन मैंने इस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन भी किया है जब मैं बोल रहा था, तो मैं इस पर फोर्स भी लगा रहा था एंड के ऊपर, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंगिंग टू आर, देन वी मस्ट हैव ए कोमा सी बिलोंगिंग, देन वी मस्ट हैव, यानी तब ये हो और ये हो तब ये हो तो रिफ्लेक्स है तो ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखो 1,2 तो है, कंपेयर करो 1,2 को अगर ए कोमा बी बोलोगे तो हमारे पास बी कोमा सी यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि बी कोमा सी वाली कोई चीज़ होती इसको ए कोमा बी बोलोगे तो बी कोमा सी वाली कोई चीज़ होती तो 2,3 या 2,1 ऐसे लिखा जाता, ऐसे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा सी नहीं है इस एलिमेंट के लिए। इसके लिए चेक करना 1,3 है लेकिन 3,1 या 3,2 ऐसा कुछ नहीं, कहने का मतलब अगर इसको ए कोमा बी बोलोगे तो इसका जोड़ीदार बी कोमा सी नहीं है, जब नहीं है तो फिर ए कोमा सी को हम सर्च नहीं करेंगे। तो ये स्पेशल कंडीशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन हो तो इनमें स्पेशल कंडीशन के फॉर्म में हम इसे क्या बोल देते हैं कि अगर देखो ये दोनों है और ये भी है तो ट्रांजिटिव, लेकिन अगर सिर्फ ए कोमा बी वाला कंपेरिजन तो हो रहा है लेकिन बी कोमा सी वाला कंपेरिजन है ही नहीं, इन दैट केस ऑल्सो वी डिक्लेयर द रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है ये ट्रांजिटिव होगा, और यही बात तो आपके क्वेश्चन में हमने लिखी हुई है कि देन आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आपको ट्रू या फॉल्स बताना था, तो आपका आंसर आ गया ट्रू, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, देख लो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चारों ने क्या लिखा हुआ है इतना लंबा सा जरा पढ़ लेते हैं। यस साक्षी, मैं भी वही कह रहा हूँ, और आज आप लोग उस लेक्चर को फिर से विजिट करेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन फिर से विजिट करना, वैसे भी आज आपके पास ज़्यादा होमवर्क तो है नहीं, इंटीग्रेशन आपका जस्ट बिगिन हुआ है ऑन योर जूम क्लासेस। सो क्या लिखा है चारों ने जरा पढ़ लें,
टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, अंडर रूट की कंडीशन है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक कल पोस्ट किया था ना, अगर आपने देखा हो, मतलब अंडर रूट वाली कंडीशन वाला क्वेश्चन, उसमें तो डबल अंडर रूट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंसर दिया भी है दीपाली ने, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन चेक करना, ये बनेगा फैक्टर बिल्कुल। और अगर मैं नंबर लाइन पे इसके रूट्स को प्लॉट कर दूँ तो एक आपका आएगा टू और एक आपका आएगा वन और एक आपका आएगा टू, ये वाली कंडीशन हमें बनानी है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर टू से बड़ा हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, थ्री ले लो, यहाँ डाल के देखो आप लोग, तो ये पॉजिटिव वाली कंडीशन यहाँ पर और यहाँ आपका नेगेटिव बनेगा। Later on, मतलब इवनिंग के टाइम हम लोग मिलेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।